What's up guys, welcome to the blog। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी लोगों को मेरे परिवार के तरफ से और मेरे तरफ से जन्माष्टमी का हार्दिक बधाई। और आज रात में है जन्माष्टमी, तो रात में हम लोग के घर में भी जन्माष्टमी मनाया जाएगा, तो उसी का तैयारी करना है। तो उसके लिए मैं अब थोड़ी देर में निकलता हूँ मार्केट, थोड़ा सा सामान वगैरह लाना है, तो मार्केट जाके सारा सामान लेके आ जाता हूँ। 5 hours later। तो गाइस दोपहर का बज गया है 1:30, तो फिलहाल दुकान बंद कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट जाना है। फिलहाल मैं दुकान में थोड़ा सामान तो अंदर डाल चुका हूँ, थोड़ा और सामान है, फटाफट से वो डाल के फिर मैं निकलता हूँ। वेल गाइस, तो मैं दुकान बंद करके अभी घर पे आ गया हूँ, तो फटाफट से फ्रेश हो जाता हूँ। और इधर बाबू सोया हुआ है क्योंकि ये रात को इसको जागना है, क्योंकि आज का लड्डू गोपाल यही बनेगा, तो इसे अच्छी तरह से सोने देते हैं। इति कुमारी तैयार होके रहिएगा, फिर जाएंगे हम लोग मार्केट। अरे इधर तो रौनक भी आ गया है, जन्माष्टमी मनाने आ गया इतना जल्दी। हाँ। किसके साथ आया? पापा के साथ। आके छोड़ के चला गया तुमको? हाँ। चलो बढ़िया, नाम आके आया तो? हाँ, तब के सुबह सुबह नहाए। हाँ, आज पूजा है। और तो खाना उना खाया है क्या? खाना हाँ खा गया। तो आज तो उपास रहना पड़ता है। तो मेरे को थोड़ी नहीं रखना, तो बड़ा लोग को, तो छोटा है ना अभी। तो चलो रखना पड़ेगा, तो ठीक है, अच्छा से नहा धो लो, फिर रात में मिलते हैं। और इधर बाबू भी लगता है उठने वाला है। पुई पुई, आज तो लड्डू गोपाल है ये। इति कुमारी आप फटाफट से तैयार रहिएगा, ये नहीं कि आएंगे फिर तैयार होइएगा। नहीं नहीं, पहले हो जाएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं फटाफट से बाइक बाहर निकाल लेता हूँ। बाइक है पीछे गली के अंदर में। तो इसको ढक के रखते हैं क्योंकि बारिश होता है काफ़ी ज़्यादा। ये क्या है? तो फटाफट से इसको निकालते हैं बाहर। तो गाइस कवर हटा चुका हूँ, कवर हटा के अब इसको बाहर में निकालता हूँ। तो गाइस इसका मुझे नाम एक रखना है, तो इस बाइक का मैं क्या नाम रखूँ, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए मुझे कि क्या नाम रखूँ इसका। और ज़रूर से ज़रूर इससे अच्छा सा एक नाम ढूंढिए आप लोग, और मुझे बताइए कि मैं इसका क्या नाम रखूँ। तो फिलहाल इसको मैं बाहर फटाफट निकालता हूँ। तो फिलहाल हम और इति जाने वाले हैं मार्केट, तो फिलहाल मार्केट के लिए निकलते हैं फटाफट। तो गाइस तैयार हो चुके हैं, स्टैचू भी खड़ा हो चुकी है। कौन है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी? कौन? भाभी ये क्या? रौनक इसका नाम एक तो सोचना पड़ेगा, ठीक है, अपना गाड़ी का। एक गाड़ी का नाम सोच के आप लोग जरूर से कमेंट्स में बताइए कि क्या नाम रखें, और निकलते हैं हम लोग सबको। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट, इति कुमारी अपना शॉपिंग करने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले पापा के लेते हैं ना। हाँ, इस टाइप का पापा को अच्छा लगता है, प्लेन कलर में। एक ये कलर ले लो और एक ये ब्लू कलर, सही है ना? हाँ। सॉक्स ले लेते ये वाला। एक्सेल एक्सेल, ये दो सब ठीक है ना? एक ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ये दोनों ले लेते। क्या? हाँ दोनों ले, दोनों का कलर अच्छा है। ठीक है ये वाला। हाँ अच्छा लग रहा है ये, सही है ना? हाँ कलर भी अच्छा है। ये वाला थोड़ा ठीक से रखो। हाँ ये भी सूट कर रहा है अच्छा से, ठीक है तो? हाँ ये भी अच्छा है, ये दोनों ही ले लीजिए, अच्छा है दोनों का कलर। चलो बहुत मुश्किल से मेरे साइज का कपड़ा मिलता है, तो फटाफट और ढूंढते हैं और निकलते हैं, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे साइज का कपड़ा। ये वाला लेते हैं ना बाबू के लिए, अच्छा है ना? अच्छा तो है। तुम भी बैठ के घूम पाओगी इसके ऊपर। तुम भी बैठ के घूम सकती हो ना, किचन से बेडरूम, बेडरूम से किचन तक जा सकोगी। पसंद है तो देखो, निकाल के देखो ना, अच्छा से निकाल के देखो।
तो गाइज इतनी ये दो कुर्ती पसंद की है, अब इसको ट्रायल करते ही है, ट्रायल करके देखेंगे कि कैसा लगता है। आ गया दोनों? लगता है आज खाना खा के नहीं आई हो क्या? खाना खा के फट गया इसीलिए। ये ना यहाँ से लिया था ना, यहीं से लिया था, देखो देख लो एल है ये। हाँ एल ही लेना, तो स्मॉल ही ली थी मैं, इसीलिए नहीं आया था। आ गया मतलब, लेकिन ज़्यादा टाइट हो रहा है। देखें सही है, चलो चलो चलते हैं, चलो काउंटर पे चलते हैं, बिलिंग करते हैं और निकलते हैं फटाफट। खड़े हैं लाइन में और बिलिंग काउंटर के सामने और मैं वेट कर रही हूँ साइड में, कब पहुँचेंगे, बहुत लंबा लाइन है। अब इनका टर्न आया है तो ये अब बिलिंग करवा रहे हैं, बिलिंग करवा के फिर हम लोग घर जाएंगे। तो फाइनली गाइस शॉपिंग हो चुका है, अब फिलहाल निकलते हैं। कुछ चोरी तो नहीं की हो ना? इतने का सामान लिया, कुछ फ्री में मिलता है कि नहीं देखते। फ्री में कुछ नहीं दिया? फ्री में क्या देगा, कुछ भी नहीं दिया। चलो तो ढूंढते अपना गाड़ी, अपना गाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे, तो अब यहाँ से निकलते हैं। आज जन्माष्टमी है तो हम लोग हैं महावीर स्थान पे, तो महावीर स्थान पे अभी बाजार को सजाया गया है और ये रहा महावीर जी का मंदिर। तो गाइस इतनी जा रही है कॉस्मेटिक का दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए, क्या लेना है तो फटाफट से जाओ, फटाफट ले जाओ। तो गाइस आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो गाइस अभी बज रहा है 6:17 और लगभग आधी घंटा लगेगा इति को आने में। तो सिर्फ गई है वो बगल के दुकान में और आधा घंटा लगेगा उसको आने में, देखते हैं, वेट करते हैं हम लोग यहीं पे बैठे हैं। गाइस गजब हो गया, इति बहुत जल्दी आ गई है, लगभग अभी 6:23 हुआ है और इति आ गई है, बहुत जल्दी आ गई, मिल गया, जैसे ढूंढी वैसे तो नहीं मिला, लेकिन काम चलाने लायक। चलो तो गाइस हम आए गोपालपेरा भंडार रात के जन्माष्टमी के लिए प्रसाद लेने के लिए, तो फटाफट से यहीं पे प्रसाद लेते हैं। तो गाइस हम लोग ने मिठाई ले लिया है, ये लिया काला जामुन, ये चूमा का लड्डू, ये लड्डू पेड़ा और इसमें मक्खन है, तो ये फटाफट ले लिया। तो गाइस प्रसाद के लिए मिठाई ले लिया यहाँ पे, इति कुमारी कचौरी भी खा ली फटाफट और यहाँ से निकलते हैं। बाबू के लिए एक सरप्राइज प्लान करें? कुछ भी नहीं, वो बेचारा बच्चा है तो अभी वो सरप्राइज को समझेगा ही नहीं। तो गाइस मैं मार्केट से आ चुका हूँ और आते के साथ पता चला कि गोलू और बिट्टू भी आई है और ये लोग इतना लेट आया है, आने वाला था सुबह और आया है अभी, और ये आते के साथ बुआ के पास पहुँच चुका है। लड्डू हाय हाय। अब इसको सजाने का जिम्मेवारी है गोलो का, तो गोलो अपना जिम्मेवारी ले लेगी अभी इसको सजाने का। तो अभी फ़िलहाल बज रहा है 9:00 अभी, तो देर है, तो फिलहाल इसको सजाते हैं। पापा यहाँ पे अपना बैठे हुए और उधर देखते हैं क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे भोग के लिए प्रसाद बन रहा है, तो अभी बन रहा है ये लबरा सब्जी और इधर खीर के लिए दूध गर्म हो रहा है, आज ये बना रही है प्रसाद का भोग बना रही है इति कुमारी, और इधर सुमन इधर भगवान जी का आसन को सजा रही है अच्छे से। वेल गाइस तो अब हम लोगों का पूजा शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे टुन्नू इति और सुमन सब कुछ सजा रहे हैं और इधर फल प्रसाद काटा जा रहा है और सुमन उधर में भगवान जी को सजा रहे हैं और ये दो बंदर यहाँ पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं और कुछ काम तो है नहीं। पबजी खेलना हो गया? हाँ, तुम भी खेल लिया? बस यही की तो पबजी है यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा लड्डू गोपाल अच्छा से तैयार हो चुका है, अब बैठेगा पूजा पे,
तो इसको सजा दिए हैं अभी, अब इसको लेके चलते हैं पूजा के मंडप में। चलो चलो हम लोग पूजा में, चलो हम लोग पूजा में चलो। तो गाइस आप लोग का लड्डू गोपाल तैयार हो चुका है पूरा, और देखिए कैसा लग रहा है देखने में। ए, 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 ए। तो गाइस अभी लड्डू गोपाल को नहलाया जा रहा है दूध से। कौन कौन नहलाएगा? तू ऊपर से ही? हाँ तो करी हाथ पकड़े ना, एक ही साथ हो जाएगा। तो तो गाइज हमारे लड्डू गोपाल अब सज के तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पे भोग का भी प्रसाद लग चुका है, सब कुछ लग चुका है। अब पूजा का तैयारी हम लोग करेंगे। पापा मेरा कान्हा की जय। बिठाइए तो।
आप जाओ लेके, आप जाओ बैठो। तो गाइज आप लोगों को एक चीज और बताना था, आज 20 अगस्त को बाबू का आज जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के लिए आज रात का 12 बज चुका है, इसलिए टुन्नू और सुमन मिलके बाबू को एक छोटा सा गिफ्ट देगा। ये गिफ्ट माँ और माँ की तरफ से और सुमन की तरफ से है, छोटा सा नन्नो सो अब चलने लगा है। ये देखो सुजुन कैसे पहुंचा रहे हैं। चलो अब चलते हैं। तो गाइज भगवान का आरती और भगवान का पूजा हो चुका है, तो भोग लगाने के लिए अभी दरवाजा बंद करके कुछ देर के लिए भगवान को अकेले घर पे छोड़ देंगे। तो दरवाजा बंद करते हैं। तो अब हम लोग मिल के सब कोई मिल के अब भगवान का कपाट खोलेंगे। तो भगवान का आज हैप्पी बर्थडे टू यू। जय। तो यहाँ पे सब कोई अपना भोग का प्रसाद खा रहे हैं, पापा बंकू रौनक बिट्टू सब कोई प्रसाद खा रहे हैं, और हम लोग भी अब थोड़ी देर में सब कोई प्रसाद खाएंगे। तो गाइस मैं भी अब प्रसाद खाता हूँ, तो प्रसाद में है खिचड़ी खीर पूरी और मिठाई, और इधर बाबू भी अपना खाना खा रहा है, और इसका जब तक छीछू टीवी नहीं चलता है तब तक इसका खाना भी अंदर नहीं जाता है। तो गाइस रात का बज रहा है 2:10 और हम लोग अब जा रहे हैं सोने के लिए। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया और बहुत ही अच्छे से मनाया। तो फिलहाल के लिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तब तक